जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कल हुई छापेमारी में ईडी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बड़गांव के सीआई भानु प्रताप प्रसाद हैं, साथ में कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है और अभी हम जज कॉलोनी के बाहर है, जहां कि आपको बता दूं कि आज अंबेडकर जयंती है, लिहाजा इसको देखते हुए कोर्ट में छुट्टी है। तो आवासीय कार्यालय जो है जज कॉलोनी स्थित, वहां पर 7 आरोपियों को पेश किया गया है और पेश करने के बाद जो है कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया है। आपको बता दूँ कि कल राजधानी रांची समेत पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें राजधानी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का आवास भी शामिल था और उनके जो जमशेदपुर आवास है वो भी शामिल था। तो कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और जो बड़गांव के सीआई है उनके आवास से कई जमीन से जुड़े कागजात मिले थे और ये कहा जा सकता है कि जो बक्सों में भरे थे और बक्सों में कई फर्जी कागजात थे और जो सरकारी कागजात की हेरा फेरी होती है वो भी वहाँ मौजूद थे। लिहाजा इसको देखते हुए ईडी ने सिमडेगा से उन्हें हिरासत में लिया था और रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय में उन्हें ले गई थी और वहाँ से पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें पेश किया गया। उसके साथ साथ जो अफसर अली हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, वही पूरे इस जो सिंडिकेट है उसके सरगना थे, वो कागजात बनाने का काम करते थे, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ कई और लोग थे जो पूरे इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, जमीनों की हेरा फेरी कैसे होती थी वो भी इस जो गिरफ्तारी है उससे पता चल सकता है, क्योंकि ये जो हेरा फेरी थी लंबे समय से चलते आ रही थी और लगातार जो है आरोप लगता आ रहा था लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। और ऐसे में अब जब इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तब आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है या फिर कह सकते हैं बड़ा खुलासा हो सकता है और कई आला अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।